अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होगा। सो स्टूडेंट, जिस तरह से आप लोग उनकी फरमाइश थी, कमेंट आ रहे थे बार बार, तो सर हंड्रेड्स के असाइनमेंट्स के बारे में भी कुछ हमारे लिए गाइड करें। तो मुझे ना एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट के क्वेश्चन शेयर किए थे, तो मैं उन पर जो है वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके अलावा आपके अगर क्वेश्चन डिफरेंट हुए तो स्क्रीन पर मैं आपको नंबर शो करवा रहा हूँ, तो आप जो है वहाँ से असाइनमेंट्स जो है वो ले भी सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, किसी स्टेप में डाउट है, तो आप वो चीज़ भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेपर्स की तैयारी के लिए भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह चैनल के साथ अटैच हो जाएं, आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियोज़ होगी। तो चलते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में दो क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन नंबर वन जो था जिसमें टू लाइंस दी गई थी, और पूछा गया था कि ये लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या फिर नाइदर। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा होते हैं, लॉ में भी आ सकता है, तो हम क्यों ना इन असाइनमेंट्स के क्वेश्चन में फाइनल की तैयारी करें। तो आप कंसेप्ट ले लें इस चीज़ का कि पैरेलल परपेंडिकुलर को हम किस तरह से चेक करते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैथ है। देखिए, सिंपल मैं आपको बताता जाता हूँ। हमने सिर्फ और सिर्फ दो बातें जहन में रखनी है कि हमारे पास अगर दो लाइंस हैं, ये फ्यूजन ऑफ लाइंस है, एक ये लाइन है किस्म की, एक ये लाइन है, दो लाइंस है। हमने इन लाइंस को चेक करना है कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नहीं। तो उसके लिए हमने इनका स्लोप निकालना है, पहली लाइन्स का भी स्लोप निकालना है, स्लोप को एम से ज़ाहिर करते हैं, दूसरी लाइन का भी स्लोप निकालना है। अगर इन दोनों के स्लोप का आंसर बराबर आ जाता है तो वो पैरेलल, पर अगर इन दोनों स्लोप्स का मल्टीपल का आंसर माइनस वन आ जाए, यानी इनको मैं मल्टीपल करूं, एक को ना मैं वन देता हूं, एक का टू देता हूं, मल्टीपल करने से आंसर आ जाए माइनस वन, फिर वो परपेंडिकुलर है। पर अगर ना बराबर आ रहा है, पैरेलल में बराबर होते हैं, ना बराबर आए, ना मल्टीपल करके माइनस वन आए, दोनों ही कंडीशन ना हो, तो देन वो फिर नाइदर पे चला जाता है। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया है कि स्लोप के बारे में मैंने ये लिखा है कि अगर हमारे पास दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, देन मीन कि वो स्लोप इक्वल होते हैं सेम, पर अगर उनका रेसिप्रोकल है, अपोजिट रेसिप्रोकल है अगर उनका, तो वो परपेंडिकुलर में चले जाते हैं। ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर ये दोनों केस नहीं है तो फिर ये नाइदर में चला जाएगा। अब हम टू द पॉइंट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है मैं आपको चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ये देखें जी, स्लोप कैसे फाइंड करना है, एम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एम फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें पता है कि हमने एम निकालने के लिए जो भी हमारे पास लाइन गिवन होती है, हमने सबसे पहले इसको इस फॉर्म में ले के आना है। ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आना है? सिक्स वाई जो है ना, ये मैं ऐसे रहने दूंगा, इसके साथ जो चार एक्स था ना वो इक्वल की दूसरी तरफ चला जाएगा, और दूसरी तरफ सेवन ऑलरेडी मौजूद है। फिर मैंने देखा कि वाई यहाँ पे सिंगल है, तो वाई सिंगल रहने के लिए मैंने इस सिक्स को डिवाइड कर देना है, वो सिक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी, साथ में एक्स मौजूद है और इसके साथ भी। ठीक है, अब एक्स के साथ जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये देखें एम, दैट इज़ अ स्लोप। ठीक है, तो ये देखें, मैंने चार माइनस चार बटा छः था, देन नेक्स्ट उसको हमने सॉल्व किया है ना, जब सिंपल मैंने किया तो वो दो बटा तीन माइनस का आंसर आ गया, ये पहली लाइन का स्लोप है। सिमिलरली हमने सेकंड लाइन का स्लोप भी ऐसे निकाल लेना। ये देखें, मैंने एम एक्स बराबर कैसे हैं, उसी तरह से वाई को सेपरेट किया है, देन वहाँ से मैंने एम का आंसर निकाला है, एक को मैंने एम वन का नाम दे दिया, एक को हमने एम टू का नाम दे दिया, दो स्लोप मैंने निकाल लिए। ठीक है, अब मैंने चेक करने के लिए देखें, मैंने देखा कि एक का आंसर तो आया था माइनस तीन बटा दो, ठीक है, एक का आंसर आया है तीन बटा दो, वो मैंने दोनों लिख दिए। अब देखें ना, तो ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं, ये वाले अगर बराबर होते तो ये पैरेलल होना था, बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं है। जैसे ही इनको मैं मल्टीपल करूँगा तो डेफिनेटली तीन से तीन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, माइनस वन आ गया जरूर देखें, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर था। ठीक है, नाइदर वाली तो बात नहीं रहेगी ना, ये साबित हो चुका है कि ये परपेंडिकुलर था।
सर सेकंड था जी कि विदाउट कैलकुलेटर टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 105 डिग्री। सो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, हमने इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ना 90 हो गया, 180 हो गया, हम इनके साथ चीज़ों को प्लस माइनस कर सकते हैं। 45 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं जी 30 साहब होते हैं, इसके अलावा होता है हमारे पास बस ये चीज़ें। हम इनकी मदद से ही चीज़ों को आसान करना चाहते हैं। विदाउट कैलकुलेटर की अगर वो बात करेगा तो हम इनका सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा 360 भी हो सकता है अगर ज़्यादा बड़ा होते, ठीक है। यानी ये पांच चीज़ें में रख लें, हमने इन चार या पांच को, जो पांच मैंने आपको बता दिए नज़र आ रहे हैं, छः हैं, प्लस माइनस करके किसी तरीके से भी ले के आना है इस हिस्से को। तो इस हिस्से को लाने के लिए 45 और 60 ये दो थे जिनको मैं जमा कर रहा था, तो ये बन जाता था, ठीक है। वो मैंने जमा कर दिए। फिर हम हमेशा इनको यूज़ करेंगे। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने क्यों बताया है आप लोगों को, मैं दोबारा बता दूं, ये मैंने इसलिए बताया कि हम इनको ही हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हीं में से आंसर्स निकालेंगे, इन्हीं को हल करके ही हम आंसर लेके आएंगे, ठीक है। तो अब टू द पॉइंट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो देखिए मैंने 60 और 45 इन दोनों को मैंने ले लिया। फर्दर मैंने क्या किया, मैंने इन पर वो फार्मूला लगा दिए। फार्मूला जैसे मैंने लगा दिए तो डेफिनेटली कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाए, तो कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। कॉस का फार्मूला हो तो साइन चेंज होता है। कॉस 60 होता है 1/2 के कॉस 45 1/2 का जजर, साइन 60 3/2, साइन 45 1/2 का जजर। फिर ये बन जाता था 1/2 ये बन गया था 3/2। तो देन मैंने सिंपल इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करवा लिया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी एमटीएच में कोई भी प्रॉब्लम है देन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।